ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः कठोपनिषद का पाठ चल रहा है। हमने देखा था यहाँ पर ब्रह्म का वर्णन है नित्यः अनित्यानां चेतनः चेतनानां एको बहुनां यो विदधाति कामा। इसका अर्थ हुआ जो अनित्यों में नित्य है, संसार के अनित्य पदार्थों में नित्य तत्व वह जो है, जो चेतन संसार में जो सब चेतन पदार्थ दिखते हैं उसमें जो चेतना है या चैतन्य है, जो एक होते हुए भी बहुनाम कामान विदधाति, यह जो एक होते हुए भी बहुत से लोगों की कामनाओं का विधान करता है, उनकी पूर्ति करता है। तम आत्मस्थम ये अनुपश्यन्ति धीरा, ये धीराः जो बुद्धिमान धीर पुरुष उसे आत्मस्थ देखते हैं, आत्मा में प्रकाशित आत्मा में एस्टेब्लिश देखते हैं, तेषां शांति ही शाश्वती नैतरेषा, उनकी शांति शाश्वती होती है दूसरों की नहीं। ये इस मंत्र का अर्थ। इसके बाद में अगले श्लोक में और भी देखेंगे। यहाँ पर कहा शाश्वत शांति, और ये शांति सुख और शांति लगभग एक समान एक ही पर्याय भी हैं, लेकिन उनको थोड़ा सा भिन्न करके भी देखा जा सकता है। हमारी शांति कई कारणों से नष्ट होती है। उदाहरण के लिए जो हमारे पंच क्लेश हैं जिनके कारण शांति हमारी नष्ट होती है, अहंकार कि हम अपने आप को फिजिकल बॉडी के साथ आइडेंटिफाई कर लेते हैं, मन के साथ आइडेंटिफाई कर लेते हैं, और इसके बाद दूसरा कष्ट का बहुत बड़ा कारण है अहंकार। भगवान बुद्ध का एक बहुत अच्छा अहंकार जो है उस अहंकार की जो सपोर्ट है उसको नष्ट कर दिया जाए तो हमारे जीवन में शांति हो। हम किसी के जीवन में भी अहंकार को रखते हैं, उनको कितना अपमान सहने पड़ते हैं। भगवान राम को तो श्री कृष्ण अवतार से उनको लांछन सहना पड़ा कि उन्होंने समंतक मंदिर किया। प्रत्येक अवतार पुरुष को अपने अहंकार के ऊपर एक विचार करनी पड़ती है, और उसको देख कर हम पता लगा सकते हैं कि सदार उन्होंने उसे देखा है। तो जहाँ पर अहंकार है वहां पर शाश्वत शांति नहीं। इसके बाद है इस अहंकार से जुड़ा हुआ हमारा भय होता है कई प्रकार से। एक तो मृत्यु का भय, हम शरीर से चिपके हुए हैं, मृत्यु का भय, और ये हमको शांति महापुरुष लोग करते हैं जो मृत्यु का भय नहीं करते। छोटा पुरुष है मृत्यु का भय नहीं, अपने आप को शरीर के आसन दूसरे लोगों से भय, अनेक अन्य खामियों से भय, दूसरे पुरुषों से भय, भूत प्रेत आदि से भय। एक बड़ा सुंदर वर्णन आता है श्री रामकृष्ण जहाँ पर प्रार्थना किया करते थे वो पंचवटी, तो वहां पर श्री रामकृष्ण के समय खाना चल गए लोग अंदर है अंदर खाने से पहले बहुत खाना चल गए, और वहां पर श्री रामकृष्ण का प्रार्थना
इस पंचवटी पर छोड़ कर एक ब्रह्म राक्षस ब्रह्म राक्षस ब्रह्म राक्षस ब्राह्मण अगर उसकी आत्महत्या हो जाए जो सत्पुरुष जैसा भी हो अगर वो आत्महत्या हो जाए या कोई अनैचुरल डेथ और अप्राकृतिक मृत्यु हो जाए तो वह ब्रह्म राक्षस हो जाता है जिसे बताया था तो ये उसके अर्थ होता है ब्रह्म करते थे और श्रीराम कृष्ण वहां पर जाकर स्नान करते थे वो उन्होंने कई बार उसको देखा था श्रीराम कृष्ण ये भी श्रीराम स्वामी विवेकानंद जी जब एक बार स्नान करने गए तो ब्रह्म जी स्वामी जी ने देखा अरे और गंदा लेकर उसको मार नहीं महाराज वो भी ध्यान करने गए तो मुझे आया ये स्पिरिट्स हैं रूप जिस हैं ये आया तो गोतापुरी जी ने कहा देखा जाए और मुझे बैठो जिस प्रकार मैं भी एक परमात्मा का एक रूप हूं इस प्रकार तुम भी तुम भी बैठ लेता तो वो हंसता हुआ आया कुछ ध्यान करने का नहीं और एक और व्यक्ति ध्यान करने गए थे हृदय राम श्री राम कृष्ण के भांजे उनको जब देखा कि श्री राम कृष्ण के दर्शन इत्यादि होते हैं तो उनके मन में इच्छा हुई कि मैं भी कुछ दर्शन इत्यादि प्राप्त करूं मैं भी कुछ साधना करूं और उन्होंने कहा श्री राम कृष्ण को बहुत कहा कि मुझे भी कोई दर्शन कराइए कर लो श्री राम कृष्ण कहा अरे तू मेरी सेवा कर तुझसे हो जाएगा लेकिन वो अधिकारी तो थे नहीं जो भी हो श्री राम कृष्ण की कृपा से उनको एक बार दर्शन जा रहे थे श्री राम कृष्ण के साथ तो उनको लगा उनकी शरीर दिव्य हो गया है श्री राम कृष्ण का भी शरीर दिव्य है उनके पैर जो हैं वो जमीन पर नहीं पड़ रहे हैं दोनों के पैर जमीन पर नहीं पड़ रहे हैं तो उन्होंने कहा अरे राम कृष्ण हम लोग तो जगत उद्धार के लिए आए हैं हम यहाँ पर क्यों हैं चलो चलो अब निकल कर सारे संसार का उद्धार कर श्री राम कृष्ण का चुप चुप ये चिल्ला लेकिन वो तो ऐसा अनुभव उन्होंने कभी हुआ नहीं जोर जोर से चिल्ला रहे श्री राम कृष्ण अरे चुप 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 नहीं माने श्री राम कृष्ण स्पर्श कर दिया वो एक्सपीरियंस हो बड़े नाराज हुए कि क्या किया मामा मुझे इतना बढ़िया एक्सपीरियंस हो रहा था तुमने सब निकाल दिया देखिए अरे ये एक्सपीरियंस तो सुबह शाम मुझे होते रहते हैं तेरा से कोई चिल्लाने लग गया उसको अच्छा नहीं लगा उसके बाद में कहा कि मैं साधना के बाद उसे पुनः उस अनुभूति को प्राप्त करूँ याद रखिए आध्यात्मिक जीवन में इस तरह की बातें सामान्यतः होती हैं अगर आप साधना करें निष्ठापूर्वक कुछ दिन तक साधना करें तो कुछ अनुभूति होगी छोटी मोटी उससे एक विशेष आनंद का अनुभव होगा फिर इच्छा होती है कि वह अनुभव पुनः हो चला जाए फिर हम प्रयत्न करें तो एक प्रकार से अच्छा भी है एक एक्सपीरियंस हो जाए तो हमारी निष्ठा बढ़ जाती है हमें एक प्रयत्न करने का साहस मिलता है प्रयत्न करने का उत्साह तो उन्होंने जब ये एक्सपीरियंस हुआ तो उसके बाद में मामा तो नहीं मदद कर रहे हैं श्री राम कृष्ण मदद नहीं कर रहे हैं तो वो खुद जाकर तपस्या कर जाते वो चले जाते वहां पंचवटी में जाकर ध्यान करते तो देखा कि ध्यान जब करने बैठे तो आसपास से कोई अंगारे गिरने लगे कभी यहां गिरे कभी यहां गिरे उसके सिर के ऊपर गिरे शरीर जलने लगे चिल्लाने लगे मामा मामा श्री राम कृष्ण आए अरे क्या कर रहा है तू मैंने तुझे कहा कि तू मत कर इस प्रकार की बात वो जो ब्रह्म दैत्य था उसने अंगारे फेंकना शुरू किया उसको तंग करना उसको डिस्टर्ब करना शुरू किया उपहार तो तात्पर्य यह है कि भय ये भय भी हो सकता है नाना प्रकार के भय हैं जिससे हमारे जीवन में अशांति होती है कभी कभी
मृत्यु का भय तो हो गया। फिर हमने कोई बुरे काम किए हों, हमारे मन में काम क्रोध लोभ हो, हमको भय। साधक को भय होता है कि कहीं पतन न हो जाए। जो पातंजलि योग सूत्र में हम डिस्कशन कर रहे हैं, उसमें हमने कहा कि कई समस्याएं साधना में आ सकती हैं। अगर सजग न होवे तो पूर्व संस्कार उदित होकर गिरा सकते हैं। तो एक साधना में समस्या होती है, उसका भय हो सकता है। और उसी प्रकार से अपने मृत्यु का भय तो मैं कह ही दिया हूं। राग द्वेष, अगर राग द्वेष प्रबल हो, लाइक्स एंड डिसलाइक्स स्ट्रांग होने, जीवन में अशांति। और इसलिए कहा जाता है कि राग द्वेष यानी अटैचमेंट एंड एवर्शन, आसक्ति अनासक्ति, आसक्ति और राग यानी दूसरे द्वेष, किसी चीज को प्राप्त करने की इच्छा, किसी को त्याग करने की इच्छा, इन सारी कार बातों से अशांति होती है और जीवन में शाश्वत सुख या शांति प्राप्त नहीं हो सकती। और शांति कैसे प्राप्त हो, यहां पर कहा तेषाम शाश्वती शांति शाश्वती नेत्रेषाम, और भी इनकी शांति शाश्वती है। अब गीता में द्वितीय अध्याय में स्थित प्रज्ञ दर्शन में इस शांति का बहुत अच्छा वर्णन आप लोग जिन्होंने पढ़ा है वे जानते हैं। दो उपाय बताए गए हैं शांति के, आपूर्यमाणम अचलक प्रतिष्ठम समुद्रमाप प्रविशन्ति यद्वत् तद्वत् कामायम प्रविशन्ति सर्वे स शांति माप्नोति न काम काम। जिस प्रकार समुद्र उसमें बहुत सी नदियां अपना जल डालती रहती हैं, समुद्रम आपह आपह नदियां पानी प्रविशन्ति, समुद्र जो है वह अपनी सीमाओं को नहीं जानता। समुद्रम आपह प्रविशन्ति आपूर्यमानम पूरा भरा हुआ, तद्वत् कामायम प्रविशन्ति सर्वे कामनाएं उठी विचार उठे वो सब प्रवेश कर गए, विचलित नहीं। जो व्यक्ति कामनाओं से विचलित नहीं होता, कामनाएं जिसे विचलित नहीं करते, वह शांति प्राप्त। मन में विचार उठते हैं, काम क्या है, कामनाएं किसे कहते हैं, गीता ही कहती है संकल्प प्रभवान कामा। हमारे मन में बहुत सारी बातें उठी, हमने कुछ अच्छी वस्तु देखी, फ्रूट देखे, भूख है, मिठाई देखी, अरे इसको खाएंगे, ये विचार मन में उठा, उठकर समाप्त हो गया। लेकिन इसके साथ जब हम संकल्प जोड़ देते हैं, नहीं उसको प्राप्त करना चाहिए, मैं करूंगा, ये कामना होता है। सैकड़ों विचार, सैकड़ों वेव्स, थॉट वेव्स मन में उठेंगे, लेकिन अगर उसको संकल्प के साथ न जोड़ा जाए तो कामना का रूप नहीं लेती। संकल्प प्रधान कामना, तो जिनके मन में विचार उठे लेकिन वे कामनाओं का रूप नहीं ले दें, इसका अर्थ है समस्त कामना उस पर उसको अनडिस्टर्ब बिना डिस्टर्ब किए अगर रहता है वह व्यक्ति, तो उसको शांति अधिगच्छति। उसके आगे कहा विहाय कामान य सर्वान पुमांश्चरत निस्पृह निर्ममो निरहंकार स शांति अधिगच्छति। समस्त कामनाओं को त्याग कर विहाय कामान समस्त कामनाओं को सर्वान समस्त कामनाओं को त्याग करे पुमांश्चरत निस्पृह कोई स्पृह नहीं कोई डिजायर नहीं निस्पृह निर्मम निरहंकार ममता और अहंकार मम ये मेरा है ये वस्तु मेरी ये घर मेरा है ये संसार मेरा है ये धन मेरा है ये पुत्र स्त्री पति ये मेरे हैं ये ममकार निर्मम निरअहंकार और मैं ऐसा हूं मैं गुणी हूं ज्ञानी हूं विद्वान हूं मैं सुंदर हूं मैं पटु हूं मैं प्रोफेसर हूं मैं डॉक्टर हूं मैं सन्यासी हूं ये मैं और मम 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 मेरा मेरा मेरा
जो इन दोनों को त्याग देता है स शांति अधिगच्छति, वो शांति को प्राप्त करता है। तो गीता में जो शांति की बात कही है वह एक मनस्थिति की बात कही है, मन कैसा होना चाहिए। यहाँ पर जो बात कही है वह अनुभूति की बात कही है। यहाँ पर कहा गया है कि जो इस आत्मा को अपने स्वरूप को जानता है, मेरा ये संसार में सर्वव्यापी आत्मा वह मेरा स्वरूप है, वह शांति प्राप्त करता है। येषां शांतिं शाश्वती नेत्रेषु। और इसके ऊपर शास्त्रकारों ने बहुत सारी विवेचना व्याख्या की है और कहते हैं वहां पर कि एक तो उसको होती है कृतकृत्यता। कृतकृत्यता, जो करना था वो कर लिया, इसके कारण उसको शांति होती है। कृतकृत्यता का अर्थ क्या है? हम कहते हैं ना कृतकृत्य हो गया, जो मुझे करना था वो हो गया, अब मुझे कुछ करनी है नहीं, मुझे कर्तव्य कुछ नहीं रहा। अब क्या क्या कृतकृत्यता होती है, क्या करनी है होता है? तो एक व्यक्ति जो संसार में है, जो युवक है, जो ब्रह्मचारी है, उसको कुछ करना होता है। क्या करना होता है? वो पढ़ता है, लिखता है, ग्रेजुएट होता है। मुझे कुछ करना है, ग्रेजुएशन करना है, ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन हो गया, उसके बाद कुछ करना है, हाँ नौकरी प्राप्त करना, उसके बाद कुछ करना है, पैसा कमाना, उसके बाद विवाह करना, उसके बाद पुत्र पौत्र होंगे, उसको भरण पोषण करना, मकान बनाना, कुछ करनी है। जो संसारी व्यक्ति है उसको कुछ करनी है। जो साधक है उसको वैराग्य हुआ, सपोज इस व्यक्ति को वैराग्य हो गया, युवक उम्र में युवा वैराग्य हो गया, तब क्या करेगा? वो गुरु के पास जाना चाहता है, वो भी करना चाहता है कुछ, गुरु से मैं दीक्षा लेना चाहता हूं, उसके बाद मैं साधना करना चाहता हूं, ये करनी है, कृत है कुछ। अच्छा, वो कर लिया, उसके बाद गुरु से दीक्षा ली, उसके बाद श्रवण मनन निधिध्यासन करना होता है, त्याग करना होता है, कुछ न कुछ करनीय रहता ही है। यह जब तक ब्रह्म ज्ञान नहीं हो जाता, आत्मस्वरूप का साक्षात्कार नहीं हो जाता, तब तक बना रहता है कुछ न कुछ करने का। श्रवण मनन निधिध्यासन, या गुरु के पास जाना है, या फिर धर्म करना है, यज्ञ करना है, कुछ न कुछ करने का। जब एक बार वह ज्ञान हो गया तब कृतकृत्य, अब मुझे कुछ नहीं करना, तब कोई उसकी शांति जो है वो डिस्टर्ब, उसको प्राप प्राप्य प्राप्त्य, जो प्राप्त करना था वह प्राप्त हो गया। जैसे जो सुख है वो हम सभी सुख प्राप्त करने के लिए करते हैं, धन प्राप्त करने के लिए करते हैं, वह भी सुख के लिए अल्टीमेटली, और उसको क्या होता है? याद रखिए, कहा जाता है कि ब्रह्म ज्ञान का सुख है उसमें सारे सुखों का अंतर्भाव हो जाता है। जैसे राजा का सुख है तो राजा के सुख में प्राइम मिनिस्टर का सुख तो आ जाएगा, जो उसका प्रधानमंत्री है उसका सुख आ जाएगा, उसको एक लखपति उसके राज्य में है, लखपति को जो सुख है, राजा को तो सुख है ही, वो राजा के सुख में लखपति के सुख का, एक सामान्य वर्कर के सुख का, प्रधानमंत्री के, नीचे के जितने सुख है उसका तो अंतर्भाव हो जाता है। इसीलिए अगले मंत्र में हम पढ़ेंगे, कहा गया है तदेतत् परमम सुखम, परमम सुखम, क्योंकि इस सुख में जितने भी सुख है उसका अंतर्भाव हो जाता है। श्री राम कृष्ण कहते हैं ब्रह्म ज्ञान का जब सुख होता है, भगवत दर्शन का सुख, उसमें समस्त सुखों का अंतर्भाव हो जाता है। रंभा तिलोत्तमा के दर्शन, उनके जो भोग का सुख है उससे असंख्य गुना अधिक सुख प्राप्त। ईसा मसीह के परम अनुयायी थे सेंट फ्रांसिस ऑफ एसिसी, आप लोगों ने नाम सुना होगा, और ईसाइयों का, ईसाई लोग, उनकी एक विशेष प्रकार की साधना होती है, वे ईसा मसीह के पैशन पर ध्यान करते हैं। पैशन यानी ईसा मसीह ने सूली पर जो कष्ट सहन किया था उस पर ध्यान, और सेंट फ्रांसिस ऑफ एसिसी ने जब ये किया
तो उसको भी यूनियन हो गई इस अंश से, एकत्व का अनुभव हुआ और एक्चुअली कील यहां पर लग गई थी, खून बराबर निकलता रहता चारों पैरों, दोनों हाथों में, दोनों पैरों में चार कील थी और उस कील को वो चुभती रहती थी तो उसको कॉटन लगा के, स्पंज लगा के रखना पड़ता था। पैर में ऐसे जूते बनाए थे कि जिसमें एक थोड़ा सा छेद था कि जिसमें वो कील बार बार उनको चुभे। ये बड़ी महान बात है कि ईसा मसीह के दुख को स्वयं सहन करना, ये प्रेम ईसा मसीह के प्रति प्रेम का द्योतक। लेकिन क्या उनको सुख नहीं मिला? एक बार उनको इच्छा हुई कि मैं सुख का अनुभव करूं तो एक दैवी वायलिन ल्यूट होता है, वायलिन को उन्होंने सुना, एक जब स्वर बजाया गया तो इतना आनंद हुआ उनको कि सोचने लगे कि अगर दूसरी बार यदि बताया जाता, दूसरे एक दूसरा सुर यदि बजाया जाता तो मैं उसको सहन नहीं कर सकता। परमम सुख, दुर्भाग्य यह है कि हमने वह पेशेंस नहीं, हम ये संसार के छोटे मोटे भोग जो क्षणिक है और नाना कष्टों से पूर्ण है उनमें पड़े, हम उसको त्यागना नहीं चाहते, उसको दूसरा सुख प्राप्त करने के लिए प्रयत्न नहीं करना चाहते। हम समझते हैं कि ऐसा न होए कि यह छूट जाए और वो भी नहीं मिले, न घर के न रहे, न घर के न घाट, इससे जितना संसार में थोड़ा बहुत सुख मिलता है उसको भी मिले, क्योंकि संसार का सुख त्यागे बिना वो सुख नहीं मिल सकता। इनिशियल त्याग तो करना ही पड़ता है और उसके बाद में अवश्य सब कुछ अंतर्भाव हो जाता है, जैसा मैंने कहा कि उससे कई गुना सुख आनंद प्राप्त। इसीलिए देखा होगा आपने जितने भी संत हो गए हैं अपरेंटली उनका जीवन कष्ट पर प्रतीत होता है। जितने भी संत हैं, श्री रामकृष्ण देव हैं, स्वामी विवेकानंद, मां शारदा, अधिकांश संतों का जीवन बाहरी दृष्टि से अत्यंत कष्टप्रद है। तपस्या का जीवन तो जीव भी जीते हैं लेकिन उसके अलावा शारीरिक और मानसिक कष्ट बहुत, लेकिन फिर भी कौन सी चीज उनको सस्टेन करती थी, कौन सी वस्तु थी जो उनको जीवन में संपन्न प्रदान करती थी? कहीं ना कहीं महान सुख उनको अवश्य प्राप्त। तो यहां पर यह कहा गया है कि जो परमात्मा को अपने हृदय में देखते हैं उनकी शांति शाश्वती होती है और उनका सुख भी शाश्वत होता है। अब आगे चलिए, तदेतत् इति मन्यन्ते अनिर्देशम परमं सुखम कथम नु तद् विजानीयाम भाति विभाति मन्यन्ते अनिर्देशम परमं सुखम। क्या कहा गया है? तत एतत, यह वह, वही यह, उसी इस आत्मज्ञान को जिसकी चर्चा कर रहे हैं, उसी इस आत्मज्ञान को विवेकी पुरुष अनिर्देश्यम, उसका निर्देश नहीं किया जा सकता, उसको डिस्क्राइब नहीं किया जा सकता। परमम सुखम, अनिर्वाच्य परम सुख मानते हैं, ऐसा परम सुख जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता। जैसे कैसे वर्णन करेंगे आप? सामान्य सी बात, गूंगे का गुड़ कहते हैं ना, गूंगे ने गुड़ खाया, क्या वो बता सकता है कैसा था, मीठा था कि नहीं था? अरे हम सामान्य सुख का भी अनुभव, ये तो एक्सपीरियंस है, जिसने एक्सपीरियंस किया वही जान सकता है। आपने गुड़ खाया है कैसा मीठा होता है, अरे खुद खा के देख लो ना, मैं कैसे वर्णन करूं? जब आप खा के देखोगे तो आप देखोगे अगर आपने उसका अनुभव, ये तो एक बार एक प्रकार से उसका। यहां पर क्या है, दूसरे प्रकार से इसको वर्णन देखें। स्वामी विवेकानंद कहते थे कि एक कुएं में एक समुद्र का एक मेंढक आके गिर गया। आप जानते हैं उन्होंने शिकागो धर्म महासभा में
पार्लियामेंट ऑफ रिलीजन में एक लेक्चर दिया था, वाई वी डिसएग्री, उसने ये दृष्टांत दिया। समुद्र में आके वो गिर गया, दूसरे ने कहा हेलो तुम कहां से आए थे समुद्र से, समुद्र कैसा है, बहुत बड़ा, बड़ा बड़ा है, इतना बड़ा है, वो एक कोने से दूसरी तरफ कौन होगा, इतना बड़ा है। समुद्र वाले मेढक ने कहा अरे इससे बहुत बड़ा, दूसरी छलांग लगाई और इतना बड़ा है, हंसते हुए कहा अरे समुद्र की तुलना क्या कुएं से हो सकती है, तो तुम झूठ बोलते तो हो ही नहीं सकते। जिसको विषय सुख का ही अनुभव है, जिसको सांसारिक सुख का ही अनुभव है, वो कभी भी भगवत साक्षात्कार का सुख का वर्णन नहीं कर सकता, समझ नहीं सकता। अनिर्देश्यम, उसको निर्देश नहीं किया जा सकता, वो इतना महान है कि उसको हम डिस्क्राइब नहीं कर सकते, और ये वाणी और मन से परे है। परम सुख योग से जो प्राप्त होता है, आत्मा और परमात्मा के यूनियन से जो प्राप्त होता है। तो यहां पर क्या कहा, तद एतद इति मन्यन्ते, जो ज्ञानी लोग हैं यहां पर बड़े उसका शंकराचार्य उसकी व्याख्या करते हुए कहते हैं कि यत तत् आत्मविज्ञानम सुखम अनिर्देश्यम, जो आत्मविज्ञान रूप सुख है जिसकी बात कही इधर इधर, क्या तम आत्मस्थम ये न पश्यन्ति, आत्मा को जानना रूप जो सुख है उसके बारे में, यह जो आत्मविज्ञान रूप जो सुख है वह अनिर्देश्य है, कथन करने में अयोग्य है, यू कैन नॉट डिस्क्राइब इट। उसके बाद कहते हैं वह क्या है, परमम प्रकृष्टम, परम अर्थात प्रकृष्ट है, सुप्रीम, सुपरलेटिव है, और प्राकृत पुरुष वांग मनसयोर अगोचरम। अभी मैंने कहा सामान्य मानव, प्राकृत यानी अनकल्चर्ड, नॉट संस्कृत, अनकल्चर्ड, वी आर ऑल अनकल्चर्ड, हम लोग भोग में पड़े हुए हैं, हमारा माइंड कल्चर नहीं, यह अनकल्चर्ड लोगों के द्वारा वह जाने योग्य नहीं है, उनके वाणी और मन का विषय नहीं है, तो कौन जानता है इसको, परम सुख है कौन जानता है। किंतु अगोचरम अपि होते हुए भी अपि सन निवृत्त ऐषणा, ये ब्राह्मणा ते जो आवासनाओं ऐषणाओं को जिन्होंने त्याग दिया है, ऐसे ब्राह्मण यानी ब्रह्म जानने वाले, ब्राह्मण यानी कोई जाति मत लीजिए, कल्चर पुरुष जिन्होंने साधना किया है, ब्रह्म को जाना है, जिन्होंने ऐषणाओं को त्याग दिया है, निवृत्त ऐषणा, ऐषणा यानी क्या, वासनाएं इच्छाएं, और तीन वासनाएं इच्छाएं प्रमुख होती हैं, पुत्रेषणा वित्तेषणा दारेषणा, या लीजिए दारेषणा पुत्रेषणा वित्तेषणा, या फिर यो लीजिए पुत्रेषणा वित्तेषणा लोकेषणा, दारेषणा और पुत्रेषणा एक में आ गया, दारेषणा यानी डिजायर फॉर हैविंग ए स्पाउस, पुत्रेषणा पुत्र की इच्छा, तो पुत्र की इच्छा के अंदर दारेषणा भी आ गया, टू हैव ए स्पाउस, एक पति को पत्नी, पत्नी को पति की आवश्यकता और पुत्र की आवश्यकता, पुत्रेषणा में ये दोनों आ गए। दूसरा है वित्तेषणा, धन की इच्छा, और तीसरा है लोकेषणा, संसार में समाज में सम्मान की इच्छा, लोक में प्रतिष्ठा की इच्छा, ये तीन प्रमुख होती हैं, पुत्रेषणा वित्तेषणा लोकेषणा। इन तीनों से जो युद्धाय उनको त्याग कर भैक्षचर्यम चरन्ति भिक्षा करते हैं वे ब्राह्मण, और जब संन्यास हम लेते हैं तो इन सारी ऐषणाओं को विरजा होम के समय त्याग किया जाता है, कृष्णा विदेशना इतना स्वाहा, इसमें तो ये तीन नहीं है और भी बहुत सारी उपासना आठ दस के गिनाते हैं, उन सारी इच्छाओं को त्याग या संकल्प के द्वारा त्याग किया जाता है। तो बड़ी बड़ी बात, अगर आप वासनाएं त्याग दें तो बड़ी समस्याएं समाधान हो गई, उसके बाद मन डिस्टर्ब जाता है।
हमने तो चाय किया है, मिले ना मिले, लोकेशना समाज में प्रतिष्ठा मिल रही है तो ठीक है। धन को त्याग दिया, जो सन्यासी होते हैं उनके लिए तीन और दूसरी वासनाएं हैं, वित्तेषणा और पुत्रेषणा तो त्याग हो जाती है। सन्यासी को काम कांचन से कुछ नहीं करना, लेकिन दूसरी विष्णु वासनाएं आती हैं, लोकेशना, शरीरेषणा, देहवासना, शंकराचार्य देहवासना कहते हैं, और शास्त्रवासना, तीसरी शास्त्रवासना, शास्त्रेषणा, शास्त्र पढ़ने की इच्छा, लोक में सम्मान पाने की इच्छा और देह को पुष्ट बनाए रखने की इच्छा। इस प्रकार की अनेक इच्छाएं हैं। यहां कहा निवृत्त ऐशना, जिनकी समस्त वासना इच्छाएं त्याग हो गई तो फिर क्या बचा। मां शारदा कहती हैं अगर भगवान से प्रार्थना करना हो तो वासना त्याग की प्रार्थना। उसके बाद में कहते हैं ये ब्राह्मण इस प्रकार के लोग हैं, वे क्या करते हैं, यत एतत् यत्तद् एतत् प्रत्यक्षम एव इति मन्यन्ते, तद् एतद् इति मन्यन्ते, जो ब्राह्मण है उसको ऐसे प्रत्यक्ष अनुभव करते हैं, ये यह वो है तद् एतद्, जो निर्वित्त एषणा ब्राह्मण है जिन्होंने उसको अनुभव किया है वह अनिर्देश्य परम सुख उसको ऐसे कर दिया। अब आगे प्रश्न करते हैं कथम नु केन प्रकारेण तत् सुखम अहम विजानीयम। शंकराचार्य कहते हैं यहां श्लोक मंत्र में कहा गया कथम नु तत् विजानीयम, वह जो सुख है, जो परम सुख है, जो निवृत्त ऐशना वाले व्यक्ति तदेतत्, इस तरह से यह वह जिसकी चर्चा चल वो यही है आत्मा में जो जानते हैं, उसको मैं कैसे जानूंगा, कैसे जानूंगा। इदम इति आत्मबुद्धि विषयम आपादयेयम यथा निवृत्तेषणा यतयः, यानी जो निवृत्त ऐशना यति हैं उनके समान मैं उसको कैसे जानूंगा, ये उसका प्रश्न है। तदेतत् कथम नु विजानीयम, कैसे मैं जाऊंगा, जैसा उन लोगों ने, जैसा श्री राम कृष्ण, जैसा स्वामी विवेकानंद ने जाना है, साक्षात जाना है। श्री राम कृष्ण कहते हैं मैं ईश्वर को ऐसे देखता हूं जैसे मैं तुझे देखता हूं, उससे भी स्पष्टतर रूप से, यानी हस्तामलकवत, हाथ में फल रखा हुआ है, इस प्रकार से मैं जब परमात्मा को जानू, ऐसा मैं कब जानूंगा, जैसा इस प्रकार के यति लोग जानते हैं। किमु तद विभाति, किम उ तद विभाति दीप्यते प्रकाशात्मक तत् यतयो अस्मत् बुद्धि गोचरत्वेन विभाति विस्पष्टं दृश्यते किंवा न इति, क्या के किमु भाति विभाति वा, मैं उसे कैसे जानूंगा। और दूसरा प्रश्न किया है कि वह क्या प्रकाशित होता है या विशेष रूप से प्रकाशित होता है, क्या कहा है आगे, कैसे उसको अपने बुद्धि का विषय बनाऊंगा। वह प्रकाश स्वरूप है सो क्या वह भासता है, वह आत्मतत् प्रकाश स्वरूप है तो इज इट भासता है, इज इट ल्यूमिनस, क्या वो फुल ऑफ लाइट है, यानी हमारी बुद्धि का विषय होकर स्पष्ट रूप से दिखाई देता है या नहीं देता। किमु भाति विभाति, वह प्रकाशित होता है, विस्पष्टम होता है, स्पष्ट रूप से होता है या नहीं होता, यह वहां पर, यहां पर बड़ा अच्छा यह प्रश्न करते हैं। किमु भाति विभाति, वह प्रकाशित होता है या नहीं प्रकाशित होता है, यह जानने प्रश्न करते हैं। अच्छा, इसका उत्तर दिया जाता है अत्र उत्तरम इदम भाति च विभाति च इति। शंकराचार्य संबंध भाष्य में कहते हैं इसका उत्तर क्या है, उत्तर यही है अत्र उत्तरम इदम, इस विषय में यह उत्तर है क्या कि वह भाति प्रकाशित भी होता है और विशेष रूप से भी प्रभासता है, प्रकाशित होता है। कथम, कैसे, न तत्र सूर्यो भाति न चंद्र तारकम
नेमा विद्युतो भांति कुतो यम अग्निः तमेव भान्तम् अनुभाति सर्वं तस्य भासा सर्वमिदं विभाति। ब्यूटिफुल श्लोक, स्वामी विवेकानंद को श्लोक बहुत पसंद था। इज रियली ब्यूटिफुल। जो थोड़ा सा भी, जो लोग जिसे हम कहते हैं थोड़ा सा भी पोएटिक होंगे, दे बी एबल टू अप्रिशिएट इस ब्यूटी। न तत्र सूर्यो भाति, वहां सूर्य प्रकाशित नहीं होता, या उसे परमात्मा को सूर्य प्रकाशित नहीं कर सकता। सूर्य संसार की सभी वस्तुओं को प्रकाशित करता है, परमात्मा को नहीं कर सकता। न चंद्र तारकम, चंद्रमा और तारे भी उसे प्रकाशित नहीं कर सकते। इमा विद्युतो न भांति, यह जो विद्युत है, लाइटनिंग, जब लाइटनिंग होती है तो सब प्रकाशित हो जाता है, वह भी उसे नहीं प्रकाशित कर सकती। कुतः अयम अग्नि, ये जो सामान्य अग्नि है वो क्या, वो तो कुछ नहीं है, वेरी माइनर चीज, वो क्या प्रकाशित करेगी। तो फिर तम एव भांतम अनुभाति सर्वम, उसके प्रकाशित होने से सब कुछ प्रकाशित होता है। तस्य भासा सर्वमिदं विभाति, उसके प्रकाश से सब कुछ प्रकाशित होता है। इसका ट्रांसलेशन, वहां यानी उस आत्मलोक की चर्चा, उस आत्मलोक को सूर्य प्रकाशित नहीं करता, चंद्रमा और तारे भी नहीं चमकते, और न ही विद्युत ही चमकती है, फिर अग्नि की तो बात ही क्या। उसके प्रकाशमान होते हुए ही सब कुछ प्रकाशित होता है, और उसके प्रकाश से ही सब कुछ प्रकाशित होता है। यानी अभी हम देखेंगे इसका अर्थ क्या हुआ। बहुत ही सुंदर मंत्र है, उसका अर्थ है, वह जो परमात्मा है या आत्म तत्व है, वो ज्ञान का विषय नहीं। सूर्य चंद्रमा ये टॉर्च या बड़ी सर्च लाइट, उससे हम संसार की सारी वस्तुएं देख सकते हैं, परमात्मा को नहीं देख सकते। एक तो विषयांतर होगा, लेकिन ब्यूटीफुल। अगर आप सूर्य के ऊपर लाइट डालोगे तो क्या होगा, क्या आप सूर्य से के ऊपर लाइट डाल सकते हो? हम सूर्य को देख रहे हैं, तो क्या वो सूर्य की लाइट, जो लाइट है वो तो उस लाइट में मिल जाएगी ना, है कि नहीं? वो सूर्य की लाइट, यू कैन अंडरस्टैंड व्हाट आई एम टॉकिंग। एक बड़ा अच्छा दृष्टांत आता है इसी टॉर्च के बारे में। स्वामी विवेकानंद जब दूसरी बार अमेरिका गए तो लौटते समय संभव फ्रांस में थे, फ्रांस या जर्मनी कहीं पर, एक युवक से मिले, यंग मैन, उससे युवक से मिले तो उसने, स्वामी जी ने कहा वुड यू कम विथ मी टू इंडिया, यंग मैन। वो बड़े घराने का था, ड्यूक, बाद में ड्यूक हुआ या कुछ हुआ, तो स्वामी जी का यू कम विथ मी, मेरे साथ आओगे, व्हाट विल यू गिव मी, ऐसे ही कहा, आई विल टीच यू टू कॉन्कर डेथ, उनको मृत्यु को विजय प्राप्त करना सिखाना। एनी वे बात खत्म हो गई, स्वामी विवेकानंद का शरीर भी जब चला गया, जो भी हुआ हो, लेकिन वह इंप्रेशन उसके दिमाग में बना। उसके बाद कई वर्षों बाद वो ड्यूक बने, स्वामी विवेकानंद का शरीर चला गया। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में जब युद्ध हुआ, इसमें ये भी युद्ध में था, और फ्रंट में बहुत सारे लोग मरे, सब जगह मृत्यु का तांडव, और वो बड़ी टॉर्च होती ना इनकी, आर्मी वालों की बड़ी टॉर्च, बड़ी टॉर्च लेके, और वो भयभीत हो रहा था, लोग सब जगह मृत्यु, बड़ी मुश्किल से मुर्दों के बीच में से होके, इतने में सामने से उसने एक आदमी को आते देखा, एक व्यक्ति को आते देखा,
फुल ऑफ लाइट, जैसे मानो लाइट निकल गई। ये कौन है? ट्राई टू इसको देखने का प्रयत्न किया, कौन है? टॉर्च लेके लाइट डालते, देखा कि वो लाइट तो उसके अंदर चली गई। आई मीन इट वॉज ऑल फुल ऑफ, वो जो है वो स्वयं प्रकाश थे, उसमें लाइट क्या प्रकाशित करे। तो मैंने ये दृष्टांत दिया और तब अचानक उसे लगा स्वामी विवेकानंद आ रहे हैं फुल ऑफ लाइट। को याद आया, आई विल टीच यू टू कॉन्कर डेथ और आई ट्राई टू टीच लव डेथ। तब उसको स्वामी विवेकानंद अचानक दिखे, वो जो स्वामी विवेकानंद ने बात कही थी वो अचानक सबकॉन्शियस माइंड से या जो भी कहिए एक विजन के रूप में उसने। फिर उसने कोशिश किया था रामकृष्ण मिशन से कॉन्टेक्ट करने का इत्यादि इत्यादि। इसका रेफरेंस स्वामी विवेकानंद की कई कुछ किताबों में यह प्राप्त होगा। तो ब्रह्म यह है, परमात्मा ऐसा है कि उसको कोई प्रकाश प्रकाशित नहीं कर सकता, वो तो स्वयं प्रकाश है। उसके प्रकाश से संसार की सभी वस्तुएं प्रकाशित होती हैं। न तत्र तस्मिन् स्वात्मभूते ब्रह्मणि सर्व अवभासकः अपि सूर्यः भाति तत् ब्रह्म न प्रकाशयति। शंकराचार्य कहते हैं वहां उस अपने आत्मस्वरूप ब्रह्म में सबको प्रकाशित करने वाला होकर भी सूर्य प्रकाशित नहीं होता, अर्थात वह भी उस ब्रह्म को प्रकाशित नहीं करता। आप लोगों को मैंने कहा होगा बृहदारण्यक उपनिषद में याज्ञवल्क्य से प्रश्न किया जाता था कि संसार की ज्योति क्या है? सूर्य। लेकिन सब जानते हैं जब सूर्य न हो चंद्रमा, जब चंद्रमा न हो तारे, जब तारे न हो ओके अग्नि, टॉर्च, इलेक्ट्रिसिटी, जब इलेक्ट्रिसिटी ही नहीं हो कर्ड साउंड, उससे पता चलेगा क्या हो रहा है। कर्ण भी नहीं हो तब मन, मन प्रकाशित करता है। और जब मन भी नहीं हो मानव की ज्योति क्या है? सूर्य नहीं है जो, ये तो कभी है कभी नहीं है। अल्टीमेटली इसको सबको प्रकाशित करने वाला कौन है? आत्मा। अनेक प्रकार से विचार किया गया है कि जब मन भी सो जाता है गाढ़ निद्रा में, जब मन स्वप्न नहीं देख रहा है तब एक अज्ञान है, सुख की अनुभूति है, उसको कौन देखता है, प्रकाशित कौन करता है? वाह, मन के अज्ञान को, मन के एब्सेंस को भी प्रकाशित करने वाला है वह आत्मा। तो यहां पर कहा यही बात कहेगी, तथा न चंद्र तारकम, उसके बाद चंद्र तारे भी नहीं, न इमा विद्युतो भांति, क्या ये विद्युत भी प्रकाशित नहीं होती? फिर कुतो अयम अस्मद दृष्टि गोचर अग्नि, और यह अग्नि क्या करेगी जो हम देख रहे हैं? किम बहुना, और अधिक क्या कहा जाए? यद इदम आदिकम सर्वम भाति तत् तमेव परमेश्वरम भांतम दीप्यमानम अनुभाति अनुदीप्यते अनुदीप्यते। अनुभाति का अर्थ क्या है? पीछे, आपने देखा ना अनुगमन अनुसरण, जहां पर भी अनुशब्द अनु उपसर्ग लगता है वहां उसका अर्थ होता है समथिंग आफ्टर समथिंग। तो यहां तस्य भाषा क्या है? तमेव भांतम अनुभाति सर्वम। शंकराचार्य इस पर कहते हैं यदि यह सूर्य आदि जो कुछ प्रकाशित हो रहे हैं वे सब उस परमात्मा के प्रकाशित होते हुए भी अनुभासित हो रहे हैं, परमात्मा के प्रकाश से ही वे प्रकाशमान हो रहे हैं, जिस प्रकार जल और उल्मुख यानी जलते हुए काष्ठ आदि अग्नि के संयोग से अग्नि के प्रज्वलित होते हुए ही दहन करते हैं। जल से आपने कहते हैं क्या स्काल्ड कहते हैं ना, क्या हुआ? अरे पानी से जल गया, तो पानी गरम गरम उबला हुआ पानी आपके हाथ पर चल जाए तो फफोले पड़ जाए, बट बर्न्स।
तो ये बर्न क्या पानी से हुआ? पानी के अंदर अग्नि थी, जब उसको पानी को गर्म किया गया उसके कारण, उस अग्नि के कारण आप चले, तो अग्नि के कारण पानी अनुभाती, अग्नि के कारण पानी में अग्नि तत्व आ गया, अनुपानी गर्म हो गया। उसी प्रकार परमात्मा के प्रकाशित होने के कारण संसार की समस्त प्रकाशमान वस्तुएं प्रकाशित होती हैं। ये जो टॉर्च में आप प्रकाश देख रहे हैं वो भी परमात्मा का प्रकाश, सूर्य में देख रहे हैं प्रकाश परमात्मा का प्रकाश। यह कहा गया आदि के संयोग से अग्नि प्रज्वलित होते हुए दहन करते हैं स्वयं नहीं, उसी प्रकार उसके प्रकाश तेज से यही सूर्य आदि सब प्रकाशित हो रहे हैं। यत एवं तदेव ब्रह्म भाति च विभाति च, क्योंकि ऐसा है इसीलिए ब्रह्म प्रकाशित होता है और विशेष रूप से प्रकाशित होता है। यानी शंकराचार्य इसको करेंगे, क्या करेंगे, भाति विभाति, परमात्मा दो प्रकार से प्रकाशित होता है, कार्यगत, क्या कहते हैं, कार्यगतेन विविधेन भाषा तस्य ब्रह्मणो भारूपत्वं सतो अवगम्यते, कार्य रूप से नाना प्रकार के प्रकाश से उस ब्रह्म की प्रकाश स्वरूपता स्वतः सिद्ध है। एक तो है कार्य रूप से भासित हो रहा, हमारे भीतर परमात्मा प्रकाश घुस कर संसार के समस्त कार्य कर रहा है, प्रकाशित कर रहा है। प्रकाशित का अर्थ क्या है, मैनिफेस्ट करना है, ज्ञान प्राप्त करना है। मैं कुछ आपसे बोल रहा हूं, आई एम एक्सप्रेसिंग समथिंग, कुछ ज्ञान मेरा मन परमात्मा के प्रकाश से, मेरा मन प्रकाशित हुआ और इस प्रकाश ने इस शास्त्र को प्रकाशित किया जो आपके समक्ष मैंने प्रकाशित किया। आप कुछ ऐसा कार्य करते हैं, रिसर्च करते हैं, जो भी है, यू आर प्रकाशित कर रहे हैं, यू आर एक्सप्रेसिंग दोज थिंग्स। ये परमात्मा का ज्ञान हमारे मन के माध्यम से प्रकाशित होता है, कार्य रूप से प्रकाशित हो रहा है, क्योंकि जिसमें स्वतः प्रकाश नहीं है वह दूसरों को भी प्रकाशित नहीं कर सकता। जैसे कि घटादि का दूसरों को प्रकाशित नहीं करना देखा गया है, और प्रकाशित प्रकाश स्वरूप आदित्यादि का दूसरों को प्रकाशित करना देखा गया है। तो क्या कहा गया है कि वह भाति स्वयं तो प्रकाशित है, विभाति विशेष रूप से कार्य के रूप में भी प्रकाशित है। परमात्मा अपने आप में प्रकाश स्वरूप है, यह है भाति, मैनिफेस्ट एज लाइट, प्रकाश ज्ञान स्वरूप है, और विभाति कार्य के रूप में वह विभाजित हो रहा है। इस प्रकार से इस मंत्र के द्वारा इस पूरे अध्याय में सेकेंड चैप्टर की द्वितीय वल्ली में विभिन्न प्रकार से परमात्मा के स्वरूप का वर्णन किया गया, नाना प्रकार से बहुत सुंदर रूप से वर्णन किया गया, जिसे हमने देखा। अगले सप्ताह हम तृतीय वल्ली प्रारंभ करेंगे, उसमें बड़ा सुंदर वर्णन है वृक्ष का, अश्वत्थ वृक्ष का, ऊर्ध मूल अवाक्षाकः एष अश्वत्थ सनातन तदेव ब्रह्म तत्शुक्रम, उस परमात्मा तत्व को विभिन्न दूसरे उपमाओं के द्वारा बताया जाए, एक वृक्ष के उपमा के माध्यम से उसे समझने का प्रयत्न करेगा, जो हम अगले रविवार को देखेंगे। ओम सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति।